थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद ए कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. फोर ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर किप्ट जनरली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी. तो देखिए इस क्वेश्चन में एक थिन सर्कुलर रिंग दी है, इसका मास कैपिटल एम, रेडियस स्मॉल आर है. ये अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है. फोर ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्मॉल एम मास के, इसके दो परपेंडिकुलर डायमीटर्स के एंड पे रखे जाएंगे. इस तरह से डायग्राम में दिखाया है. तो एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा डैश कितनी होगी वो हमको फाइंड करनी है. तो जो वैल्यू इसमें गिवन है इसको हम लिखेंगे. गिवन देखिए रिंग के लिए, रिंग इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस स्मॉल आर है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है. ये फोर मास स्मॉल एम मास के इसके अपोजिट एंड पे रखे जाएंगे डायमीटर के, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश ये हमको फाइंड करना है. तो देखिए इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल. तो ये हो जाएगा एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई डैश लिख लेते हैं. इसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया रिंग की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर और इस पूरे सिस्टम की होगी कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस ये फोर स्मॉल एम मास के लिए ये हो जाएगा फोर एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश. तो आर स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से ओमेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी पूरे सिस्टम का कंबाइंड एंगुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश की वैल्यू होगी एम ओमेगा कैपिटल एम ओमेगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस फोर स्मॉल एम. तो ये एंगुलर वेलोसिटी आएगी. तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सेकेंड.